आगर मालवा जिले से निकले उज्जैन चवली टू लेन को फोर लेन करने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय में कांग्रेस में पदयात्रा निकाली गई। वहां पर स्थानीय जनता की इस पुरानी मांग को लेकर बैजनाथ मंदिर से छावनी नाका चौराहे तक निकली इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा यहाँ फोर लेन बनाने की बात कर रही थी, पर अब जब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया है तो फोर लेन नहीं बनाया जा रहा है। हमने इस फोर लेन की मांग को लेकर आज से अपना सांकेतिक आंदोलन शुरू किया है और जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। वहीं प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग के बयान की कमलनाथ ने मुझे 15 मिनट का समय चर्चा के लिए नहीं दिया, पर वे कोई जवाब नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा कि अब बीती ताही बिरासते आगे की सुधार ले, अब हम अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में हमारे अभी पीपलिया बालाजी का एक स्थान है, पीपलिया बालाजी से ढोलाखेड़ी बालाजी तक एक पद यात्रा का आयोजन करेंगे और इस आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। आप सभी साथियों से अनुरोध है विपिन बालखेड़े जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और अपनी ठुकराई हुई मांग को पुनः मंजूर करवाने की कृपा करें। बहुत बहुत पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि आप सबके आज बैजनाथ दर्शन करा। हम जो लोग बहुत दिन से बैजनाथ में आए होंगे उन्होंने भी आज बैजनाथ आके बैजनाथ के दर्शन किए, तो सबसे पहले बोलो बाबा बैजनाथ की। आदरणीय साथियों, ये आज हमें बैजनाथ मंदिर से यहाँ तक पैदल पैदल चलकर आना पड़ा। क्यों पैदल चलकर आना पड़ा, आखिर ऐसा क्या कारण था कि हमारे अरुण भैया को आज अपना पसीना बहाकर यहाँ तक पैदल चलकर आना पड़ा। आदरणीय साथियों, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को मालूम है हर महीने एक्सीडेंट से हमारे परिवार के एक दो साथियों की मृत्यु होती है। हर महीने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ये तानाशाह सरकार आंखें बंद कर कर बैठी है। जहाँ लोगों की मौत हो रही है, जहाँ फोर लेन रोड की आवश्यकता है, वहाँ फोर लेन रोड नहीं देते हुए। कैनन न्यूज के लिए आगर मालवा से दशरथ सिंह चौहान की रिपोर्ट।